ड्रीम बोर्ड स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस क्वेश्चन पेपर ऑफ 2022 जनरल स्टडीज क्वेश्चन नंबर 2C। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। एन्यूमरेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एंड मैग्निट्यूड ऑफ लैंडस्लाइड इन द माउंटेन इकोसिस्टम। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं लैंडस्लाइड के लिए माउंटेन इकोसिस्टम में। तो आइए आंसर देख लेते हैं। अ लैंडस्लाइड इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक्स डेब्रीज ऑन द अर्थ डाउन द स्लोप। ऑलमोस्ट एवरी लैंडस्लाइड हैज मल्टीपल रीजंस टू अकर। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है? लैंडस्लाइड एक तरह का मास मूवमेंट है जहां पे बड़े बड़े रॉक्स मिट्टी सब नीचे धस जाती है, स्लैंटिंग वे में ऊपर से नीचे गिरती है माउंटेन्स में, उस मास मूवमेंट को लैंडस्लाइड कहते हैं। ये एक तरह का नेचुरल डिस्ट्रक्शन है। लैंडस्लाइड इन द माउंटेन कॉज्ड बाय वेरियस रीजंस व्हिच आर मेंशन बिलो। नाउ वी विल सी one by one all the reasons. First, it can be caused because of heavy rain. भारी बरसात के कारण landslide हो सकता है. Next, deforestation is one of the main reasons of landslide because trees, plants etc. keeps the soil particles compact and due to deforestation the mountain slopes lose their protective layers because of which the water of the rain flows with unimpeded speed on the slopes. Now, deforestation का मतलब है जब भारी तादाद में पेड़ काट देते हैं तो उस चीज को, उस प्रोसेस को deforestation कहते हैं। अब जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होती है, वो मिट्टी को कस के पकड़ के रखती है, keeps the soil particles compact. कॉम्पैक्ट वे में पकड़ के रखती है। तो जब हम पेड़ काट देते हैं तो रूट्स मुरझा जाते हैं, इसीलिए सॉइल पार्टिकल्स भी लूजन अप हो जाते हैं। तो जब भारी बरसात होती है तो मिट्टी धुल के नीचे गिर जाती है। तो इसी चीज को कहा गया है कि डिफोरेस्टेशन एक बहुत ही बड़ा और मेन रीजन है लैंडस्लाइड के लिए। नेक्स्ट, इट कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक एज वेल। एग्जाम्पल, इन द हिमालयस द टेमर अकर्ड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स अनस्टेबिलाइज द माउंटेन्स विच लेड टू लैंडस्लाइड। अब अर्थक्वेक के वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकता है क्योंकि अर्थक्वेक में क्या होता है, जो अर्थ सरफेस एरिया में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं, वो हिलते हैं, इस वजह से अर्थक्वेक होता है। अब जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलते हैं तो माउंटेन पे भी प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से माउंटेन इकोसिस्टम में, मतलब माउंटेन रीजंस में लैंडस्लाइड हो सकता है। नेक्स्ट, वोल्केनिक इरप्शंस इन स्पेसिफिक रीजंस कैन कॉज लैंडस्लाइड। वोल्केनिक इरप्शंस के वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, landslide often occurs in the mountain regions while making roads and constructing flyovers. During this, large number of rocks are removed. अब जब हम development की बात करते हैं mountain regions में तो roads बनती है, flyovers बनती है, जिसके वजह से हमें mountains cut करने पड़ते हैं, बड़े बड़े rocks remove करने पड़ते हैं, then हम बड़े बड़े machines use करते हैं road construct करने के लिए, flyovers बनाने के लिए, जो अर्थ सरफेस को डिस्टर्ब करती है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है, सरफेस एरियाज को डिस्टर्ब करती है, वहां के नेचुरल हैबिटेट्स जो है वो डिस्टर्ब होती है, जिस वजह से लैंडस्लाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंडस्लाइड अकर बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। पहले शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है वो देखते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ अ प्रैक्टिस जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाता है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लीजिए कि फार्मर्स जिनकी रोजी रोटी एग्रीकल्चर है वो एक जगह से दूसरे जगह
ट्रांसफर हो रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो अपने एग्रीकल्चर लैंड को शिफ्ट कर सकते हैं। और एक रीजन क्या हो सकता है कि जहां पे पहले एग्रीकल्चर होता था जिस लैंड में, उस लैंड की क्वालिटी अगर डिटोरिएट कर रही है, देन वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है वो लैंडस्लाइड में इफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स ऑफ देयर नीड्स आर बीइंग क्रिएटेड व्हिच कैन कॉज लैंडस्लाइड। अब जब पॉपुलेशन बढ़ता है, माउंटेन रीजन्स में पॉपुलेशन बढ़ते हैं क्योंकि टूरिज्म बढ़ गया है, तो बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं, होटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गए, घर हो गया, हाउसेस हो गए, तो ये सारे बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी माउंटेन्स कट करने पड़ते हैं, बड़े बड़े रॉक्स रिमूव करने पड़ते हैं, देन बड़ी बड़ी मशीन्स यूज होती हैं जिसकी बहुत फ्रिक्वेंसी होती है जो माउंटेन्स पे इफेक्ट करता है, माउंटेन के हैबिटेट पे इफेक्ट करता है, देन माउंटेन्स के मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट करता है, जिस वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है। अब लास्टली माइंड मैप देख लेते हैं, जिससे आपको ये आंसर बहुत ही इजीली याद हो सकता है। तो हम इस आंसर में लैंडस्लाइड के बारे में बात कर रहे थे, तो लैंडस्लाइड को आप छोटे संक्षिप्त में ऐसे याद कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड इज अ मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक्स डाउन द स्लोप। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द माउंटेन इकोसिस्टम? फर्स्ट, ड्यू टू हैवी रेन। सेकेंड, डिफॉरेस्टेशन। थर्ड, ड्यू टू अर्थक्वेक। फोर्थ, ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस। फिफ्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। सिक्स्थ, ड्यू टू शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एंड सेवेंथ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है। आशा है आप सबको ये आंसर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है और कोई भी सजेशंस है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, प्लीज हिट दी बेल आइकन ताकि आप सबको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।